नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हीरो डीलक्स की बाइक की जो किक की सील होती है, ऑयल सील, वो चेंज करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखो किस कितनी लीक कर रही है, तो उसके चलते कई बार ऑयल भी कम हो जाता है। तो आपकी गाड़ी में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो टाइम से उसको चेक करना चाहिए। खास करके ऑयल चेक कर लेते हैं इसमें पहले कितना बचा हुआ है। ऑयल चेक करते वक्त ये अपना सफाई कर लेते हैं पूरी, ताकि डस्ट पार्टिकल अंदर ना चला जाए। काफी लगता है काफी ऑयल निकला हुआ है, अभी यहाँ से गीला गीला हो रखा है, तो ज़्यादा महंगी नहीं आती है और आप घर पे बड़े आराम से चेंज कर सकते हो। बाकी इसमें ऑयल दोबारा साफ करके चेक करते हैं एक बार, तभी सही पता चलेगा। ऑयल सील 30 से लेके 50 रुपये तक आती है कंपनी के अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों, इसमें ऑयल अभी लग भी नहीं रहा बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत ऑयल होएगा जिसके सहारे ये चल रहा है। तो अगर ज़्यादा लंबी अगर चलानी पड़ जाए तो बाइक सीज हो जाएगी आपकी, पूरा इंजन करवाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हर किसी बाइक में मिल सकती है जिसकी ये ऑयल सील लीक हो, तो ये बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हो। तो पहले हम किक को खोल लेते हैं। तो इसके लिए आपको 10 नंबर स्पैनर चाहिएगा, ये सिंपल एक नट लगा हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं हम। ये एक तरफ होता है, दूसरी तरफ इसके कोई बोल्ट नहीं होता है, किक के अंदर ही टाइट होता है, उसके अंदर चूड़ी होती है। तो टाइट करते वक्त थोड़ा इसका ध्यान रखें, ज़्यादा टाइट ना करें, कई बार किक की जो चूड़ी है वो फेल हो जाती है, मतलब स्लिप कर जाती है, तो पूरी किक फिर चेंज करनी पड़ती है आपको। तो उस वजह से इसको जितना इनफ टाइट करना होता है उतना ही टाइट करें, ज़्यादा टाइट ना करें। अभी हमने नट को खोल लिया है, किक को बाहर निकालते हैं। ये वैसे तो आराम से निकल जाती है, अगर फिर भी नहीं निकलती है तो आप स्क्रू ड्राइवर लगा सकते हैं यहाँ पे इस तरफ। दोस्तों अभी इसको क्लीन कर लेते हैं पूरा, ये देखो कितनी मिट्टी पूरी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जब नई सील लगाएंगे तो मिट्टी का कोई पार्टिकल पार्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो पूरा एकदम साफ़ होना चाहिए। तो हम इसको डीजल से या पेट्रोल से पूरा क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों इसको डीजल से साफ़ कर लेते हैं, और आपके पास अगर ये वाला ब्रश नहीं है तो आप टूथब्रश से, पुराना टूथब्रश, उससे भी साफ़ कर सकते हो, पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ये जो भी डस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है वो सारा का सारा हमें रिमूव करना है, ताकि जब नई सील लगाएं तो उसके अंदर जाए ना ही, पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं इसको। बाकी ऑयल लीक कर करके देखो अंदर तक गया है। दोस्तों पूरा साफ हो गया, अभी सील को बाहर निकालते हैं। दोस्तों सील को निकालने के लिए कोई भी छोटा ऐसा इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल इसमें अड़ा के ऐसे इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये इसकी पुरानी सील है, इसको साइड में रख देते हैं। दोस्तों ये पुराने वाली सील है, यहाँ से कटी हुई है, देखो इसी वजह से यहाँ से लीक कर रही थी। बाकी इसका जो प्लास्टिक है वो भी गर्म ठंडा हो के बार बार ख़राब हो जाता है, और इसकी जो स्प्रिंग अंदर लगा दो इसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, उसी वजह से लीक करती है। तो ये वाली नई सील है, 30 रुपये की आई है। तो सिंपल इसको क्लीन करके हम लगा देते हैं, इसको पूरा साफ़ कर लेते हैं पहले अंदर से, ताकि अंदर कोई भी मिट्टी वगैरह ना छुड़े। बाकी जो बाइक दूध के अंदर चलती है, जो दूध वाले भाई यूज़ करते हैं, उनकी जो किक की ये जो शापट है इसके अंदर जो यहाँ पे वो घिस जाती है, क्योंकि वो किक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर उनके सेल्फ नहीं होती तो इसका वैसे सही शापट सही पड़ी है, नहीं तो अंदर इसके झीरी बन जाती है, उसकी वजह से भी आप अगर सील चेंज कर दोगे तो भी लीकेज नहीं रुकता। तो अगर आपकी बाइक ज़्यादा पुरानी है तो आप ये चीज़ भी चेक कर लो कि बार बार लीक अगर सील कर रही है तो इसको फिर निकाल के फिर दोबारा खराद से कराना पड़ता है माल भरवा के।
पर इसकी अभी सही पड़ी है, एकदम स्मूथ है। मतलब ये वाली जो सीट है स्मूथ होनी चाहिए अंदर से, जैसे जहाँ पे ये सील चलती है अंदर आपको दिखाई दे रही होगी, आप जब खोलोगे तो आप पता चल जाएगा अंदर जैसे जीरी टाइप सी बन जाती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसकी वजह से सील रुकती नहीं है। इसको लगाना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको लुब्रिकेंट कर लें लगाने से पहले ऑयल से या फिर ग्रीस से, जिससे भी आप करना ठीक समझें। तो ये अंदर से सही से, बाकी जो जिस तरफ स्प्रिंग लगा हुआ है वो वाला साइड अंदर की तरफ होगी, इस तरफ इस तरीके से लगेगी ये, और ये बहुत ही आराम से लग जाती है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी पुरानी वाली सील है ये, एक बार यूज़ कर लेते हैं इसको लगाने के लिए, इसको लगाने के लिए जैसे पुरानी वाली सील हमने लगा ली है, और जो ये प्लग पाना है इससे ऐसे अंदर प्रेस कर देते हैं, अभी पुराने वाले सील बाहर निकाल लेते हैं और वो अंदर पूरी फिट हो गई, देखो एकदम मस्त फिट हो गई है। तो इसी तरीके से आप आराम से फिट कर सकते हो घर पे ही, ज़्यादा 30 रुपये की ये सील आती है और बाकी आपकी मेहनत है, 10 से 15 मिनट लगेंगे। अब बाकी आपका इंजन बच जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने ये चेक किया तो इसमें इंजन ऑयल है ही नहीं, तो इसी तरीके से कहीं आपकी बाइक भी ख़राब ना हो जाए। दोस्तों लगे तो इसको भी क्लीन कर देते हैं अभी, क्योंकि लीकेज की वजह से यहाँ पे पूरा रस्ट और ये चिट्टा टाइप जैसे तेल और मिट्टी मिक्स होकर यहाँ पे पूरा पकड़ कर चुकी है, तो इसको डीजल से रिमूव कर देते हैं हम, डीजल या पेट्रोल से किसी से भी साफ़ कर सकते हैं, क्लीन करके इसको लगा देते हैं। दोस्तों पूरा क्लीन कर लिया हमने, एक बार थोड़ा सा साफ डीजल में से निकाल लेते हैं इसको। दोस्तों इसको क्लीन कर लिया हमने पूरा, अभी इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करते वक्त एक चीज़ की ध्यान रखें, जो ये वाला नट है ना, ये वाला नट यहाँ बीच में आएगा यहाँ पे इस जगह पे, तो आप इसको ज़्यादा ना ठोक दें अंदर कहीं, तो उसी तरीके से रखना आपको, ऐसे आप लगा के देख लें, अपने आप अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेगा, तो ज़्यादा अगर ठोक दोगे फिर नट फिर अंदर ये जाएगा नहीं। अभी मतलब जो ये नट है वो हैंड टाइट होना चाहिए। दोस्तों इसको पूरा टाइट कर देते हैं अभी, जैसा मैंने बताया था इसको ज़्यादा टाइट ना करें, ज़्यादा जोर ना लगाएं, बस चाबी से सिंपल टाइट कर देते हैं, बाकी ये फिट हो गई है। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।